बसमीम् असल होप यू आर डूइंग वेल आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फ़िज़िकल डेटाबेस मॉडल के रिलेटेड उसके एलिमेंट्स क्या थे और उसी के अंदर हम लोगों ने डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज को की टर्म को पढ़ा था जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है Uh, वो जो हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपकी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज को uh, की टेक्निक को यूज़ करते हैं और uh, उस केस में क्या होता है कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स uh, को फेस करना पड़ता है जब उनको किसी डाटा uh, की लोकेशन को फिजिकली एक्सेस करना पड़ जाता है तो फिर वो उनकी जो डिसीजन मेकिंग uh, होती है कि किस नोड या किस साइड पे आपका डाटा जो है वहाँ पड़ा हुआ है तो उस केस में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं फिर हम लोगों ने देखा था कि जो उनसे बेसिक स्ट्रैटेजीज़ हैं डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज़ उसमें से चार के हम लोगों ने नाम देखे थे अब हमने उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है सबसे पहले था सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी सेंट्रलाइज स्ट्रेटजी में क्या होता है इन दिस स्ट्रेटजी ऑल डाटा इज़ लोकेटेड एट सिंगल साइट इट इज़ सिंपल एंड इजी टू कंडक्ट इस केस में क्या होता है कि जितनी भी जितना भी डाटा होता है वो किसी एक सिंगल साइट के ऊपर होता है और ये सिंपली सिंपल होता है और इजी टू कंडक्ट होता है दिस स्ट्रेटेजी हैज़ थ्री एडवांटेजेस इसके तीन फायदे होते हैं डाटा स्टोर एट रिमोट साइट्स इज नॉट एक्सेसिबल रिली जो रिमोट साइट्स पे आपका डाटा स्टोर होता है वो आप फॉरन से इसको एक्सेस नहीं कर सकते जिसकी वजह से क्या होता है कि डाटा की सिक्योरिटी मेंटेन रहती है ठीक है रिमोट साइड्स पे जो आपका डाटा स्टोर हुआ हुआ था है, वो नॉट एक्सेसिबल रेडीली वो आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते जिसकी वजह से आपका डाटा जो है वो सिक्योर रहता है सेकेंड एडवांटेज डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट में भी वरी हाई इसमें क्या होता है कि जो आपकी डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट होती है वो हाई हो जाती है जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन uh, के लिए आपके पास एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है रिमोट साइट्स के थ्रू और इस वजह से आपकी जो कॉस्ट होती है डाटा कम्युनिकेशन की वो ज़्यादा आती है ठीक है द डाटा बेस सिस्टम फेल्स टोटली वेन द सेंट्रल सिस्टम फेल्स और जो डाटा बेस सिस्टम है वो uh, अगर तो आपका सेंट्रल सिस्टम आपका फेल होता है वर्किंग स्टॉप कर देता है या ब्रेक डाउन हो जाता है तो आपका कंप्लीट डाटा बेस सिस्टम भी फेल हो जाएगा बिकॉज ऑल डाटा डिपेंड्स अपन द ऑल सिस्टम एंड डिपेंड अपन देंट्रलाइज सिस्टम तमाम डाटा की परफॉर्मेंस और कंप्लीट जो उनका सेटअप है वो डिपेंड करता है उन सेंट्रलाइज सिस्टम तो सेंट्रल में अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम फेस अगर करना पड़ जाता है या वो सिस्टम फेल हो जाता है तो इस तरह आपका क्या होगा कि आपका जो कंप्लीट डाटा बेस है वो ही फेल हो जाएगा ठीक है तो ये था आपके पास सेंट्रलाइज स्ट्रेटजी अब बात आती है पार्टीशन की पार्टीशन में हमने देखा था कि जो आपका डाटा बेस है उसको पार्टीशन या फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है ई पार्टीशन इज अ टू अ पर्टिकुलर साइड अब हर पार्टीशन को पार्टीशन uh, किसी पर्टिकुलर साइट या लोकेशन को असाइन की जाती है ठीक है हर पार्टीशन को एक साइट uh, uh, हर साइट को uh, कोई ना कोई साइट को पार्टीशन का असाइन किया जाता है जो भी पार्टीशन हमने बनाई होती है सॉरी <coughs> वो किसी ना किसी साइट को असाइन होती है द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज दैट डाटा इज मूव क्लोज टू लोकल यूजर इसका फायदा क्या होता है इस का फायदा होता है जो आपका डाटा मूव करता है वो लोकल यूजर के जो है ना मोर एडवांटेज ले लेता है ठीक है मतलब उसके लिए डाटा की एक्सेसिबिलिटी वो आसान हो जाती है ज़्यादा आसानी से वो डाटा को एक्सेस कर पाता है डाटा बिकम्स मोर इजिली एक्सेसिबल ठीक है तो ये थी पार्टीशन स्ट्रेटजी उसके बाद आती है आपके पास रेप्लिकेटेड रेप्लिकेटेड में क्या होता है इन स्ट्रेटजी द फुल कॉपी ऑफ डेटाबेस इज असाइन टू मोर देन वन साइट इन द नेटवर्क इसमें क्या होता था इसमें आप करते थे कि जो आपका डाटा था डाटा बेस था वो वो क्या करता है वो असाइन होता है टू मोर देन वन साइट उसकी जो कॉपी होती है डाटा बेस की वो एक से ज़्यादा साइट्स को असाइन होते हैं जो कि नेटवर्क के, के पार्ट होते हैं नेटवर्क के अंदर कंप्लीट नेटवर्क के अंदर आपके जो नोड्स होते हैं या आपकी साइट्स होती हैं उनको डाटा बेस की एक कॉपी असाइन की जाती है मोर देन वन साइड को दिस स्ट्रेटेजी मैक्सीमाइज द लोकल एक्सेस और इस केस में क्या होता है जब आपके पास डाटा बेस की कॉपी डिफरेंट साइट्स पर मौजूद होती है तो आपकी जो लोकल एक्सेस होती है ना लोकल एक्सेस की एबिलिटी वो बढ़ जाती है मतलब उसको कहीं से भी एक्सेस ईजिली किया जा सकता है बट इट क्रिएट्स अपडेट प्रॉब्लम्स बिकॉज ईच डाटा बेस चेंज मस्ट बी रिलायबली प्रोसेस्ड बाई सिंकोनाइज एट ऑल साइड्स इसी स्ट्रेटजी का जो एक नुकसान है या ड्रॉबैक है वो ये है कि जब भी आ, आ, इट क्रिएट्स अपडेट प्रॉब्लम जब भी आपको डाटा बेस को अपडेट करना पड़ेगा तो क्या होगा कि आपको जब अपडेशन आती है तो कुछ फीचर्स ऐड हो जाते हैं कुछ फंक्शनलिटी इंप्रूव हो जाती है तो उस केस में क्या होगा कि फिर आपको सारे डाटा बेस जो कि तमाम साइट्स पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उसकी कॉपी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फिर वहाँ पे भी चेंजिंग को मस्ट करना चेंजिंग मस्ट होनी चाहिए और चेंजिंग की वजह से वो मॉडलाइबल होगा और सिंक्रनाइज होगा इस केस में आप क्या करते हैं इस केस में आप अपने डेटाबेस को सिंकरनाइज कर देते हैं तमाम साइट्स के लिहाज से ताकि जब भी एक सिस्टम के अंदर अपडेशन होगी तो वो ऑटोमेटिकली तमाम सिस्टम्स के अंदर अपडेशन हो जाएगी तो ये रेप्लिकेटेड में ये थोड़ा सा मसला फेस करना पड़ता है अपडेशन प्रॉब्लम्स के टाइम पर कि जब भी अपडेशन क्रिएट होती है तो उस केस में डाटा बेस चेंज जो है वो रिलायबल होना चाहिए प्रोसेसिंग के लाज से भी और सिंक्रनाइज भी होना चाहिए कि तमाम साइट्स के अंदर वो अगर तो अपडेट हो रहा है तो तमाम साइट्स के रिस्पेक्ट से अपडेट हो तमाम साइट्स में जहाँ जहाँ इसकी कॉपी पड़ी है वहाँ पर अपडेट हो उसके बाद बात आती है आपके पास हाइब्रिड स्ट्रेटजी हाइब्रिड स्ट्रेटजी में क्या होता है इन दिस स्ट्रेटजी डेटाबेस इज डिवाइडेड इनटू क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स डेटाबेस को क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है द क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स आर स्टोर्ड एट मल्टीपल साइट्स और जो क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको हम मल्टीपल साइट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या स्टोर करवाते हैं जबकि जो नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको हम जस्ट वन साइड पे स्टोर करवाते हैं तो ये दी आपके पास हाइब्रिड टेक्नोलॉजी या हाइब्रिड स्ट्रेटेजी तो बेसिकली डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी का जो मेन है वो क्या है कि डाटा का डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने और उसके लिए डिफरेंट साइट्स है डिफरेंट तरीके हैं जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था सेंट्रलाइज्ड वे सेंट्रलाइज में क्या होता है कि जो आपका डाटा होता है वो एक सिंगल साइट पे एक सिंगल नोड uh, पे स्टोर होता है और वहाँ से एक्सेस होता है डिफरेंट नोड uh, से ठीक है इसके लिए जो डाटा की लोकेशन होती है वो जस्ट डाटा सिंगल साइट होती है अब इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं कि सबसे पहले तो ये सिंपल और इजी होता है दूसरी बात यह कि जो डाटा स्टोर होता है आपका रिमोट साइट्स के ऊपर वो रेडिली एक्सेसिबल नहीं होता जिसकी वजह से डाटा की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाती है <coughs> उसके बाद आता है जो इसकी कम्युनिकेशन कॉस्ट होती है डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट जो होती है वो हाई होती है डाटा कम्यो कम्युनिकेशन कॉस्ट में भी बड़ी हाई और जो डाटा बेस आपका सिस्टम है वो वर्किंग फेल कर देगा अब इसके सॉरी ये डिसएडवांटेजेस है इसके डिसडवानटेजेस में आपका क्या होता है कि जो आपकी एक्सेसिबिलिटी होती है वो रिमोट साइड से नहीं हो सकती और डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाती है और जो डाटा बेस सिस्टम है वो फेल uh, हो जाता है टोटली uh, totally जब आपका सेंट्रल सिस्टम जो है फेल फेल uh, होता है सेंट्रलाइज्ड आपका वन लोकेशन पे आपका डाटा स्टोर होता है जब आपका वन लोकेशन के अंदर या सेंट्रलाइज लोकेशन के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाएगा फॉल्ट आ जाएगा उस केस में आपका पूरा का पूरा डाटा बेस जोन होगा वो फेल हो जाएगा और ब्रेक डाउन हो जाएगा ये डिसएडवाटेज थे इसके उसके बाद इसका एडवांटेज ये किया है कि ये सिंपल और इजी टू कंडक्ट है ठीक है उसके बाद हमने दूसरी स्ट्रेटी को देखा जिसके अंदर था पार्टीशन उसके अंदर क्या होता कि जो आपका डाटा बेस था वो पार्टीशन या फ्रेगमेंट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया किया था जो डाटा बेस है वो पार्टीशन और फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है हर साइड को पर्टिकुलर साइड को कोई ना कोई पार्टीशन असाइन की जाती है और इसका एडवांटेज सबसे ज़्यादा ये होता है कि लोकल यूज़र्स को एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है ठीक है जो डाटा होता है वो ये पार्टीशन की फॉर्म में डिवाइड होता है और हर साइड पे आपका कोई ना कोई पार्टीशन जो असाइन की जाती है हर साइड को तो इससे डाटा की जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो मोर रिलायबल हो जाती है और मोर इजी हो जाती है टू द तो तो लोकल यूज़र्स उसके बाद आती है रेप्लिकेटेड स्ट्रेटेजी। रेप्लिकेटेड स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि जो आपका डाटा बेस होता है उसकी एक मुकम्मल कॉपी जो है वो एक से ज़्यादा साइट्स को भेजी जाती है विद इन अ नेटवर्क एक से ज़्यादा साइट्स में आपको उसकी कॉपी भेजी जाती है और इससे क्या होता है कि इससे जब एक से ज़्यादा साइट्स के ऊपर आपकी सेम डाटा बेस मौजूद है तो आपकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है लोकल एक्सेसिबिलिटीज की बढ़ जाती है जिसकी वजह से आप जल्दी से जल्द अपना डाटा जो है एक्सेस कर सकते हैं अब इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये होता है कि जब इसने अपडेट होना होता है वन लोकेशन पे फॉर एग्जांपल वन साइड पे यहाँ पर अपडेशन हो रही होती है उस केस में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जो डाटा बेस है उसकी जो चेंजिंग है वो मस्ट भी रिलायबल होनी चाहिए वो तमाम साइड्स के ऊपर जो उन डाटा बेस मौजूद है वो भी अपडेट होना चाहिए और इसके अलावा सिंक्रोनाइज होना चाहिए ऑल साइट्स के ऊपर डाटा बेस सिंक्रोनाइज हो होना चाहिए और लास्ट पे हमने पढ़ा हाइब्रिड स्ट्रेटजी हाइब्रिड स्ट्रेटजी में क्या होता है कि जो डाटा बेस है उसको uh, डिवाइड किया जाता है क्रिटिकल या नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स के अंदर जिस डाटा बेस डाटा बेस को अगर क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है तो उसको मल्टीपल साइट्स पे स्टोर किया जाता है जबकि नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स में डाटा बेस को जस्ट वन साइट पे स्टोर किया जाता है सो दिस वॉज आवर टॉपिक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी उसके बाद है आपके पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हमने पढ़ा कि जो फाइल है वो और ऑर्गेनाइज होती है उसके ऑर्गेनाइजेशन की जाती है ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में और उसमें देखा जाता है कि फाइल को आपने स्टोरेज डिवाइसेस पे किस तरह रखवाना है और उसको एक्सेस कैसे करना है तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली टेक्निक है फॉर फिजिकल अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अ फाइल ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या सेकेंडरी डिवाइसेस द सिस्टम डिजाइनर मस्ट रिकॉग्नाइज सेवरल कंस्ट्रेंट्स फॉर सेलेक्टिंग अ फाइल इन ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टम डिजाइनर है उस इस चीज़ को मेकश्योर sure करना पड़ता है कि कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स लगानी पड़ेंगी ताकि फाइल जो सिलेक्शन में जो ऑर्गेनाइज फॉर्म में जब हमने फाइल्स को रखवाना है तो वो आ, जो उनसे है वो सिलेक्टिंग के दौरान वो रिलाइएबल रहे वो मस्ट मतलब आ, अफोर्डेबल रहे और उसमें क्या है कि अगर आपने फाइल की ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से की होगी तो आपकी फ़ाइल्स की जो एक्सेसिबिलिटी है वो uh, सही से होगी उसका मेथड जो हो वो ईवी होगा क्योंकि हम लोगों ने हमारा मेन uh, ये होता है कि हम अपने यूजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए ईज प्रोवाइड करें सो द कंस्ट्रेंट्स हमारे पास कौन कौन से आते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं फिजिकल एलेक्ट्रिसिटी ऑफ द स्टोरेज सकेंड स्टोरेज डिवाइस जो सेकेंड स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर हम लोगों ने फाइल्स को स्टोर करवाना होता है उसके अंदर हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी फिज़िकल करेक्ट्रिस्टिक्स क्या होती है ये एक कॉन्स्ट्रेंट आ गई दूसरी कॉन्स्ट्रेंट आती है क्या अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड फाइल मैनेजमेंट सिस्टम अब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से ये बात होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं इग्जाम्पल के तौर तो पर बता रही हूँ कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं मोबाइल एप्लीकेशंस जो कि कुछ गेम्स को सपोर्ट नहीं करती जैसे पुराने आ, जो उनसे वर्जन के मोबाइल फोन्स होंगे उसके अंदर कोई आजकल की जो हैवी गेम्स होती हैं वो आ, नहीं चलती वो क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक्चुअल में उस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर पाता ठीक है तो ये सेम एज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात होती है जब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से आ, कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि कुछ फाइल्स को सपोर्ट नहीं करते कुछ सिस्टम्स डाटा बेस को या फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स को सपोर्ट नहीं करते तो इस चीज़ को मेक श्योर करना पड़ता है आपके डाटा बेस डिज़ाइन के अंदर कि जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन आपने करनी है तो क्या अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता और उसकी जो फ़ाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं वो अफोर्डेबल हैं या नहीं है ठीक है और उसके बाद जो आपके पास आता है वो है यूज़र रिक्वायरमेंट फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा इसमें क्या होता है इसमें देखा जाता है के जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है डाटा को स्टोर करने की या डाटा को एक्सेस करने की वो क्या है फॉर एग्जांपल हर यूज़र चाहेगा कि उसका डाटा जो है इजीली एक्सेस हो विद विदिन स्मॉल टाइम जैसे उसने क्री लगाई और कुछ सेकंड्स के अंदर उसके रिज़ल्ट जनरेट होकर एफिशिएंटली रिज़ल्ट जनरेट होके आ जाए इसके अलावा जब उसने स्टोर करवाना है तो भी उसकी लोकेशन वाइज जोन सा फाइल ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर हो तो ये जो चीज़ें ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखते हैं और मेक मेकश्योर sure करते हैं कि यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है स्टोरिंग की या डाटा को एक्सेस करने की वो आ, अच्छे से रहे ठीक है उसके बाद आता है क्राइटेरिया टू सेलेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन अब जब हमने फाइल ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करना है तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा मतलब कुछ ना कुछ तो उसके होंगे कंडीशन होंगी तो हम लोग अब उसको देखते हैं द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन आर एस फॉलो फास्ट एक्सेस फॉर डाटा रिट्रीवल जब भी हमने डाटा को रिट्रीव करना है या डाटा को फेच करना है तो उसके लिए फ़ास्ट एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए uh, जल्दी से हम लोगों ने क्यूरी लगाई क्यूरी लगाने के बाद हमारे पास तो रिजल्ट जनरेट होके हमारे डिस्प्ले स्क्रीन पे आ गया और डाटा रिट्रीव हो गया इजीली डाटा रिट्रीव हो गया फास्ट एक्सेस होनी चाहिए इसकी <coughs> uh, उसके बाद आता है हाई थ्रूपुट फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन्स इसका मतलब हुआ हाई थ्रूपुट आनी चाहिए फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन ज़्यादा से जारे अच्छा आपका रिकॉर्ड आपका आपके पास जोन से रिज़ल्ट आपके डिस्प्ले के अंदर वो आपके पास थ्रूपुट अच्छे आने चाहिए ज़्यादा आनी चाहिए और क्लियर एफिशेंटली आनी चाहिए ताकि आप प्रोसेसिंग जब करें ट्रांजेक्शन्स की uh, मतलब जो भी आपने थ्यूरी लगाई है वो आपकी अच्छे uh, सही रिजल्ट जनरेट करे एफिशेंट यूज़ ऑफ स्टोरेज स्पेस आपका डाटा इस तरह होना चाहिए कि वो स्टोरेज स्पेस को भी एफिशिएंटली यूज़ करें इसका मतलब कम स्टोरेज पे आप डाटा डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें और उसके अंदर आप कोशिश करें कि आपका जो डाटा है उसके अंदर जो डुप्लिकेशन है वो अवॉइड हो सके इसके अंदर डुप्लिकेशन्स ना आए और डाटा अगर डुप्लीकेशन नहीं हो नहीं होती तो आपकी जो डाटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कम से कम यूटिलाइज़ होती है सो so, इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जो आपका डाटा है वो एफिशियटली यूज़ होना स्टोरेज स्पेस को एफिशेंटली यूज़ करें उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम फेलियर और डाटा लॉस आपकी फाइल ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ श्योर की जाती है कि जो भी डाटा आप रखवाते हैं जो भी डाटा आप रखते हैं वो जो है <coughs> सॉरी <coughs> वो जो है वो उसकी जो प्रोटेक्शन है उसको श्योर किया जाए वो लेट्स जा, सपोज आपने कोई क्यूरी लगाई आपने उसकी उसको एग्जीक्यूट करवाया अब आपने कोशिश करनी है कि वो फेल ना हो या फिर आपका डाटा इस तरह होना चाहिए कि वो करप्ट ना हो ईज़िली और आपका डाटा जो लॉस है वो चीज़ से वो, वो जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाए तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी जो सी प्रोटेक्शन हो फेलियर या डाटा लॉस की वो मेक श्योर की जाए उसके बाद आता है आपके पास मिनिमाइजिंग नीड फॉर डाटा रीऑर्गेनाइजेशन Uh, ये केस ऐसा होता है कि इसमें uh, आपने अगले सपोज फर्स्ट टाइम में डाटा को स्टोर करवाया अब ऑर्गेनाइज किया ठीक है, है और ऑर्गेनाइज करने के बाद ऑर्गेनाइज करने के बाद आपने क्या किया आपको uh, ये जो रीऑर्गेनाइज करने की जो ज़रूरत है वो कम से कम पड़े आपका फर्स्ट टाइम में ही डाटा इस तरह ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज हो कि आपको मज़ीद या दोबारा से उसको ऑर्गेनाइज ना करना पड़े ठीक है और उसके बाद जो लास्ट आपके पास क्राइटेरिया है उसके अंदर आप देखते हैं सिक्योरिटी फ्रॉम अनऑथोराइज यूज़ ये तो तकरीबन हर जगह ऐसा ही है कि आ, आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है या फिर आप इस चीज़ को मेक श्योर sure करते हैं कि आपका जो डाटा है वो अनऑथोराइज यूज़र एक्सेस ना कर सके और यूज़र के एक्सेसिबिलिटी की वजह से डाटा आपका लॉस भी हो सकता है आपका डाटा लीक भी हो सकता है इसके अलावा आपकी सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट को ख़त्म भी हो सकते हैं सो so, इस चीज़ को मेक श्योर sure किया जाता है कि आपकी जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन है इस वे में हो फाइल को इस तरह ऑर्गेनाइज़ किया जाए कि जो अनऑथोराइज यूज यूज़र है उससे उसकी उस से सिक्योरिटी आपकी ज़्यादा हो अनऑथोराइज यूज़र उसको एक्सेस ना कर सके सो so, ये था आपका टॉपिक जिसके अंदर आपने देखा फाइल ऑर्गेनाइजेशन फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन में आपने कुछ चीज़ें मेक श्योर की कि जो आप फाइल्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं वो फाइल ऑर्गेनाइज करते हुए आपने कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि जो भी आप ऑर्गेनाइज uh, किया होता है वो uh, जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे किसी खास तरह से अरेंज हो उसमें आपने किस तरह अरेंज करना है उसके लिए सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट सॉरी कुछ कंस्ट्रेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है आपको उन कॉन्स्टेंट्स में सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर आपने अपनी फाइल्स को स्टोर करवाना है उसकी फिजिकल करेक्ट्रिस्टिक्स क्या होती हैं क्या होंगी और उसके बाद देखना है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है वो क्या उस फाइल सिस्टम को सपोर्ट कर पाता है या नहीं कर पाता इसके अलावा फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का ध्यान रखना पड़ता है जो फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो क्या उस चीज़ को अफोर्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे इसके अलावा आपने देखना होता है कि जो यूज़र रिक्वायरमेंट है फॉर स्टोरिंग और एक्सेसिंग डाटा इज़ इट फुलफ़िल क्या उसको फुलफिल किया जा रहा है या नहीं जा रहा उसके बाद आपने फाइल को ऑर्गेनाइज करने की फाइल को ऑर्गेनाइज करना है अब उसके लिए कुछ क्राइटेरिया को सिलेक्ट करना पड़ता है क्राइटेरिया देखने पड़ते हैं कुछ उसको मेक श्योर करते करने के बाद ही आप अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइजेशन फाइल का ऑर्गेनाइजेशन मेक श्योर अच्छे से कर सकते हैं आ, उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर आपने देखना होता है कि कुछ क्राइटेरिया में कुछ चीज़ें आपने ध्यान में रखनी होती है कि जो आपने डाटा रिट्रीव करना है वो फास्ट एक्सेस होनी चाहिए उसकी फास्ट एक्सेस होनी चाहिए डाटा को आपने उसके लिए क्यूरी लगाई क्यूरी लगाने के बाद आपका जो डाटा है वो फैच हो जाए और एफिशेंटली आपके रिजल्ट को जनरेट करें उसके बाद आपने देखना होता है कि जो थ्रूपुट है जो रिज़ल्ट है जनरेशन रिजल्ट की वो हाई होनी चाहिए हाई थ्रूपुट जनरेट करना चाहिए प्रोसेस ट्रांजेक्शन जो भी आप प्रोसेस करें उसकी जो थ्रूपुट है वो ज़्यादा होनी चाहिए इसके अलावा जो आपकी स्टोरेज स्पेस है उसको वो एफिशेंटली यूज़ करें मेक श्योर कि आपकी जो डाटा है उसके अंदर रिटेंडेंसी ना आए और अगर तो डाटा की रिटेंडेंसी कम से कम होगी तो आपकी जो स्टोरेज स्पेस है वो एफिशेंटली यूज़ होगी जब आपकी फाइल्स की डुप्लीकेशन नहीं होगी तो आपकी जो स्टोरेज स्पेस है वो बची बचे रहेगी और आप उसके अंदर अपनी दूसरी फाइल्स को भी सेव कर पाते हैं कर सकते हैं इसी तरह आपकी स्टोरेज स्पेस जो, तो जो है स्टोर तो होगी यूज होगी यूटिलाइज होगी उसके बाद आपने मेक श्योर sure करना है कि आपकी जो फेलियर डाटा की फेलियर होगी या फिर डाटा लॉस होगा उसकी प्रोटेक्शन को मेक श्योर sure करना है कि आपका जो डाटा है वो कम से कम फेल ना हो अगर तो फेल हो होते तो उसको किसी ना किसी तरह उसकी रिकवरी हो सके इसके अलावा डाटा लॉस डाटा लॉस आपने उसकी इस चीज़ को भी मेक मेकश्योर sure करना है कि आपका डाटा कम से कम लॉस हो या फिर इस तरह की टेक्निक्स को देखना है कि जो डाटा लॉस को जो है कवर अप कर सके उसके बाद आपने एक चीज मेन मेंटेन एक चीज़ को मेक श्योर sure करना है कि जब भी आपने डाटा को फर्स्ट टाइम में ऑर्गेनाइज फॉर्म में किया और फाइल्स की ऑर्गेनाइजेशन की उसके बाद आपको कम से कम मतलब मिनिमाइज कम से कम ज़रूरत हो कि आपने डाटा को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना है ठीक है आपने फ़र्स्ट टाइम एक अच्छे तरीके से कर लिया और आपको नेक्स्ट में ज़रूरत ना पड़े इस चीज़ को मेक श्योर sure करना है ये इससे आपका क्या होगा इसके आपका जो टाइम यूटिलाइजेशन है वो कम से कम होगी आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा दूसरी बात बात यह फिर आपकी जो स्पेसिंग होगी उस चीज़ के लिए वो भी कम से कम यूटिलाइज होगी और लास्ट पर आपने इस चीज़ के इस चीज़ का ध्यान रखना होता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कि जो अनऑथराइज यूज़र है वो आपकी डाटा को एक्सेस ना कर सके और ये तो हर एक आ, को ये चीज़

जो स्टेप्स हम लोगों ने परफॉर्म करने होते हैं उसका नाम हमने देखा था कि इंप्लीमेंटेशन फ़ेज़ में आप क्या करते हैं आप अपने प्रपोज सिस्टम में जिस चीज़ को आपने कोडिंग कर दी उसके एनालिसिस कर दी उसका टेस्ट कर लिया उसके बाद आपने सिस्टम को एग्जीक्यूट करवाना होता है इंस्टॉल करना होता है ठीक है और उसको वर्किंग में लेके आना होता है ठीक है उसको वर्किंग में लेके आने के बाद आप उस चीज़ को मेक uh, श्योर sure करते हैं कि आपका सिस्टम उसके अंदर काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं अब हम लोगों ने इस चीज़ को डिटेल में देखना है कि इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ में आप क्या करते हैं द डाटा बेस सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इट हैज़ बिन डिज़ाइन एंड डिवेलप डाटा बेस सिस्टम को तभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं जब हम उसकी डिजाइनिंग कम्प्लीट कर लेते हैं और उसको हम डिवेल्प कर लेते हैं द डाटा बेस सिस्टम इंस्टॉल्ड एंड एग्जीक्यूटेड फॉर द यूजर डाटा बेस सिस्टम को हम यूज़र के लिए इंस्टॉल करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं कस्टमर ने हमें कस्टमर uh, ने हमें uh, कहा कि आपने डाटा बेस सिस्टम बनाना है डाटा बेस उनके लिए बना कर देना है एक ऑर्गनाइजेशन के लिए या फिर कस्टमर के लिए उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स थी उसको हमने फुलफिल किया <coughs> उसके लिए रिपोर्ट्स आर की उसके एनालिसिस किया करंट सिस्टम के रिस्पेक्ट से उसके बाद उसकी कोडिंग की फिर हम लोगों ने उसकी टेस्टिंग की एंड आफ्टर ई जब हमारी टेस्टिंग कम्प्लीट हो जाती है और हमारे पास सारे एरर्स और नॉमलीस ख़त्म हो जाती हैं फिर हम क्या करते हैं अपने सिस्टम को प्रपोज करते हैं कि सिस्टम की इंस्टॉलेशन करते हैं ऑन द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और फाइल्स की मदद से सिस्टम को वर्किंग में लेके आते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं सिस्टम को एग्जीक्यूट करते हैं फॉर द यूज़र द इम्प्लीमेंटेशन में रिक्वायर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर सच है सर्वर जब इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है तब हम लोगों को किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है जैसे कि सर्वर इट मे ऑल्सो रिक्वायर्ड नेटवर्क हार्डवेयर इफ़ द डाटा बेसज टू भी एक्सेस बाई मल्टीपल लोकेशन इसके अलावा अगर तो आप चाहते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो मल्टीपल लोकेशन से एक्सेस हो ठीक है फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो एक साइड से एक्सेसिबल ना हो बल्कि आप मल्टीपल साइड से एक्सेस हो तो उस केस में आपको नेटवर्क बनाना पड़ता है हार्डवेयर का ठीक है हार्डवेयर का नेटवर्क आपको आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है और उस केस में क्या होता है कि हार्डवेयर नेटवर्क आप बनाते हैं और वहाँ से आप अपने डाटा को मल्टीपल लोकेशन से एक्सेस कर पाते हैं ठीक है और उसके बाद क्या होता है उसके बाद देखा जाता है आपके पास द डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मे हैव टू तो वर्क टुगेदर तो टू तु इंप्लीमेंट द सिस्टम सक्सेसफुली जब आपने अपने सिस्टम को बना लिया उसको आप इंप्लीमेंट करना है उस केस में आपके पास जो डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर है और जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो दोनों एक साथ काम करेंगे वो दोनों एक साथ काम करेंगे और वो इस तरह करेंगे काम के वो अपने जो सिस्टम है उसको जो सिस्टम है ना उसको जो है ना अच्छे से वर्क सक्सेसफुली वर्क, वर्कआउट वर्क करवाने के लिए उसको इकट्ठे काम करेंगे और सिस्टम जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मिलके सेटअप करेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसको इंस्टॉल करेंगे द यूजर्स आर प्रोवाइडेड विथ ऑथराइजेशंस डिफाइंड बाय देयर मैनेजर जो यूज़र्स हो गए वो देर आर प्रोवाइडेड विद ऑथराइजेशन अब यूज़र को एक्सेस दी जाती है उनको ऑथोराइजेशन दी जाती है जो कि मैनेजर्स देते हैं कि ये ऑथराइज यूज़र है इस सिस्टम को यूज़ करने के लिए तो जो सिस्टम होगा वो उनके लिए वर्क करेगा ठीक है सिस्टम क्या होगा उसके लिए वर्क करेगा एफिशेंटली क्योंकि इसमें हमें एक चीज़ मेक्योर करनी होती है कि जब भी आपने किसी सिस्टम को लॉन्च करना है उस सिस्टम की जो है सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है सिक्योरिटी वो सिस्टम की सिक्योरिटी को मेंटेन रखा जाए उस सिस्टम को कोई अनऑथोराइज पर्सन एक्सेस ना कर सके तो इस चीज़ को मेक श्योर sure करना होता है ठीक है तो जब भी हमने डाटा बेस को बनाया उस सिस्टम को प्रपोज कर दिया आइडिया हमने लिया उसकी कोडिंग की उसका एनालिसिस करने के बाद उसकी कोडिंग की, की डिज़ाइन फेजि से गुजरे हम उसके उसके बाद हम लोगों ने इसकी कोडिंग की टेस्टिंग की एंड आफ्टर डेट हमने इसको इम्प्लीमेंट करना तो इम्प्लीमेंटेशन में हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि उसके अंदर जो आप सिस्टम इंस्टॉल करने जो सिस्टम आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो काफ़ी चीज़ें देख काफ़ी चीज़ों काफ़ी फेजी से गुजरते हुए आए हैं तो अब जो है मेन चीज़ होती है इंस्टॉलेशन के वो यूज़र के लिए वर्क कैसे करेगा सिस्टम को देखना पड़ता है आपको इंस्टॉल किया आपने सिस्टम को उसको एग्जीक्यूट करवाया फॉर द यूज़र फिर उस केस में आपको देखना पड़ता है कि जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर है वो चाहिए होते हैं इसके अलावा आपका अगर तो आपने अपने सिस्टम को या डाटा बेस को रिमोट बनाना है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिफरेंट लोकेशन से मल्टीपल लोकेशन से एक्सेस करना है तो उस केस में आपको क्या चाहिए होगा आपको नेटवर्क चाहिए होगा हार्डवेयर का ठीक है फिर अब उन हार्डवेयर नेटवर्क्स को भी आपने इम्प्लीमेंट करवाना है तो आपको फिर उसके लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की मदद लेनी पड़ेगी और जब आपने डाटा बेस को आपने अपने सिस्टम्स के अंदर इंस्टॉल या करवाना है एग्जीक्यूट करवाना है तो उस केस में आपको डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की मदद लेनी पड़ेगी तो इन इस केस में आपका डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मिलकर काम करते हैं ताकि आपका जो सिस्टम है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो सके ठीक है उसके बाद द यूज़र्स आर प्रोवाइडेड विद ऑथोराइजेशन डिफाइंड बाय द मैनेजर अब जब आपका सिस्टम इम्प्लीमेंट हो चुका है इम्प्लीमेंट होने के बाद जो आपका मैनेजर होगा वो आपके सिस्टम की एक्सेस आपको देगा यूज़र को सिस्टम की एक्सेस देगा और वो एक्सेस उसकी ऑथराइज होगी वो एक्सेस क्या होगी ऑथराइज्ड होगी इसका मतलब जो यूज़र है वो उसको एक्सेस इजीली कर सके कर सके ऑथराइजेशन एक्चुअल में ये होती है कि वो सिस्टम को कि चीज़ों को एक्सेस कर सके और वो सिस्टम के लिए वैलिड हो सिस्टम उसको एक्सेप्ट करता हो ठीक है वो पहले से रजिस्टर्ड हो उसके अंदर तो ये ऑथराइजेशन जो है मैनेजर्स प्रोवाइड करते हैं अपने यूज़र्स को उसके बाद द ऑथराइजेशन एंड परमिशन अनेबल द यूजर्स टू परफॉर्म ऑथोराइज टास्क यूजिंग डाटा बेस फैसेज फिर जब ऑथोराइजेशन या परमिशन मिल जाती है इट्स अ टाइप ऑफ परमीशन ठीक है जब ऑथोराइजेशन या परमिशन मिल जाती है यूजर को तो फिर यूजर अनेबल हो जाता है कि वो अपने ऑथोराइज टास्क को या डाटा बेस की फैसिलिटीज को यूज़ करे ठीक है जो भी उसका टास्क है परफॉर्म करने के लिए वो उस परपज़ के लिए डाटा बेस की जो फैसेटीज़ है उसको यूज़ करे अपने टास्क को परफॉर्म करे ठीक है और वो टास्क जो होंगे वह उसके ऑथोराइज टास्क होंगे ये सिर्फ वही एक्सेस कर सकेगा जो कि डेटाबेस के लिए ऑथराइज्ड होगा जो कि मैनेजर्स ने जिसको ऑथराइजेशन एक्सेस दी होगी द डाटा बेस सर्वर एंड यूजर्स मे बी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अपार्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर इन्वायरमेंट अब जो डाटा बेस हैं और डाटा जो यूजर्स हैं उसको यूज करने वाले मे बी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अपार्ट अब ये एक्चुअल में सिस्टम क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर इन्वामेंट है जो कि ज़रूरी नहीं है जस्ट वन साइट लोकेशन से ही एक्सेस किया जा सके इसमें ये होता है कि आपका जो डाटा सर्वर्स होते हैं और जो उसको यूज़ करने वाले यूज़र्स होते हैं वो आपस में काफ़ी ज़्यादा दूर दूर भी जाते हैं काफ़ी ज़्यादा दूर भी हो सकते हैं लेकिन ये मसला चीज़ नहीं करती इसमें जस्ट पॉइंट ये होता है कि आपने उस इन्वायरमेंट को एक्सेस करना है उस डिस्ट्रीब्यूटिव डेटा बेस सिस्टम को एक्सेस करना है तो आप कहीं से भी कर सकते हैं इट डजेंट मैटर कि आप विद इन अ सेम कंट्री हो या विद इन अ सेम सिटी हो क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम है तो डाटा बेस सर्वर जहाँ पे भी होगा आपके यूजर्स अगर किसी और कंट्री के वर्ल्ड के किसी और पार्ट में भी हैं तो वहाँ से वो ईजिली एक्सेस कर सकते हैं मैनी एक्सपेंसिव टेली लिंक्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क और इस केस में हमें टेली जो लिंक्स हैं वो हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना होता है और इसके अंदर डिस्टेंसिंग ज़्यादा होती है तो हम लोगों को कम्युनिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है तो उस केस में हम टेली लिंक्स को यूज़ करते हैं जो कि एक्सपेंसिव होते हैं जैसे कि नादरा एंड क्रिक इन्फो आर टू एग्ज़ाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ डाटा बेसिस अब दो तरह के हमारे पास एग्जांपल्स है एक नादरा और एक क्रिक इन्फो नादरा के बारे में तो आपको तो पता है कि वो ऑल ओवर द पाकिस्तान आप कहीं से भी इसको एक्सेस करें आपका डाटा एक्सेस ईजीली हो सकता है सो दिस वॉज द इम्प्लीमेंटेशन दिस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ द डाटा बेस डिवेलपमेंट प्रोसेस जिसको हमने डिटेल में पढ़ा अब हम लोगों ने आज काफी ज़्यादा चीजें पढ़ी हैं जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले देखा था डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल में उसके बाद हम लोगों ने फाइल ऑर्गेनाइजेशन को देखा एंड लास्ट में हम लोगों लोगों ने को को देखा सो सो होप आप लोगों को इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी अगर तो कोई क्यूरी है तो यू आस्क टेक केयर हाफिज वीडियो पसंद आई तो लाइक करें अपनी राय कमेंट करें ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे